गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अलसी के तेल को फ्लैक्सीड ऑयल के नाम से जाना जाता है। पूरे भारतवर्ष में अलसी की खेती की जाती है, लेकिन ज़्यादा पैदावार सिर्फ चुनिंदा राज्यों में ही होती है। अलसी के तेल में 60% ओमेगा 3 पाया जाता है, जो मछली के तेल से भी अधिक होता है। अलसी के तेल में कई प्रकार के पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो मानव शरीर में कई प्रकार के रोगों को समाप्त करने की क्षमता रखते हैं। बीमारियों से अलसी के तेल में गुणवत्ता दोनों प्रकार के फाइबर चुके पाए जाते हैं। वेस्टिज फार्मा द्वारा अलसी के तेल को कैप्सूल फॉर्म के रूप में लोगों तक पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया है, क्योंकि कई लोगों को अलसी के तेल का प्रत्यक्ष रूप से सेवन करना पसंद नहीं करते। तो चलिए इसके बारे में, वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल के बारे में जानकारी देते हैं, बीमारी छुटकारा पा सकते हैं। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को घटाने में बेहद सहायक होते हैं। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल के कैप्सूल से सेवन से निम्न प्रकार की बीमारियों से हमें सहायता मिलती है: हृदय संबंधी रोग, मासिक धर्म की अनियमितता, पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखना, त्वचा संबंधी समस्या, वजन कम करने में सहायक। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल, इसके अलावा वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल के सेवन से आप बाल झड़ने की समस्या, शुष्क आँखों की समस्या, गठिया में दर्द की समस्या, कैंसर के इलाज को, कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक होता है। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल अलसी के तेल से अन्य तमाम पोषक तत्व मौजूद होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ एवं मजबूत बनाए रखने में समृद्ध हैं। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल की खुराक, किसी भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करने से पहले परामर्शदाता या चिकित्सक से सलाह जरूर लें, क्योंकि प्रोडक्ट में मौजूद घटकों से परस्पर क्रिया शरीर में कोशिकाओं के स्तर पर असर डालता है, इसकी वजह से मेटाबॉलिज्म पर प्रभाव पड़ता है। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल का सामान्य प्रयोग निम्न है: वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल एक समय में एक कैप्सूल उचित है, उसे दिन में भोजन के पश्चात 1 से 3 बार जरूरत के अनुसार ले सकते हैं। वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल को गर्म जगह उष्म से दूर रखें और किसी भी ठंडे जगह पर रखें। दुष्प्रभाव से बचने के लिए शुरू में इसका कम खुराक लें, फिर जरूरत के अनुसार लेना शुरू करें। यदि आपको इसमें मौजूद किसी भी सामग्री से एलर्जी हो तो इसके सेवन से बचना चाहिए। 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था में वेस्टिज फ्लैक्स ऑयल के इस्तेमाल से बचना चाहिए और डॉक्टर की सलाह पर ही कोई सप्लीमेंट लेना चाहिए। पाचन कमजोर होने पर उचित चिकित्सक या जानकारी निगरानी में इसका सेवन करना चाहिए। हृदय दुर्बलता, लीवर व किडनी के मामले में डॉक्टर की उचित सलाह लेने के बाद ही इसका प्रयोग करें। जो लोग प्रतिदिन पोषक आहार लेते हैं, उन्हें सप्लीमेंट की इतनी ज़रूरत नहीं होती है।